अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमिनेंस की टाइप की, जैसे इनकम्प्लीट, को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस। बट उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो टू शेयर द नॉलेज। पिछली वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जीन, अलील, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन नेटवर्क, होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस करेक्टर्स, डोमिनेंट रिसेसिव करेक्टर्स। इन सब को डिस्कस करने के बाद अब हम डोमिनेंसी के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। मंडल ने ये सारी जब स्टडीज़ करी तो उन्होंने डिफरेंट करेक्टर्स को आपस में फ्यूज़ कराया, फर्टिलाइज कराया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद उनके पास अलग अलग रिजल्ट्स आए, तो फिर कुछ कंक्लूजन ऑफ कोर्सेस हमारे पास बने। और उसमें फर्स्ट टाइप जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है ओवर वन ईच अदर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स जब दो करेक्टर आपस में ब्लेंड होते हैं और फिर अपेयर हों, दो करेक्टर्स आपस में ब्लेंड हों और फिर अपेयर हों। लाइन भी लिखी हुई है प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ। कंट्रास्टिंग करेक्टर्स नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर ईच एंड अदर, इट्स मीन दे आर डिस्कसिंग अबाउट अलील। एक अलील का करेक्टर दूसरे अलील करेक्टर पे डोमिनेंस नहीं रखता, यानी इनके जो दोनों जो अलील्स हैं वो एक दूसरे के साथ करेक्टर की अपेयरेंस को शेयर करती हैं। अगर हम एक क्रॉस की बात करें, दिस वन, इस वाले क्रॉस की अगर आप बात करें तो उसमें बिल्कुल आपको यहाँ सी आर और सी डब्ल्यू नज़र आ रहा होगा। सी आर इज एक्चुअली रेड कलर and CW is actually the allele having white color appearance। ये एक flower है, उसके cross के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो of course यस flower है, 4 o'clock नाम है flower का। तो उसमें जो color है, जो flower का color है वो red homozygous allele है, और ये भी होमोजाइगस कलर वाइट एंड वाइट है। जब हमारे पास ऐसे कलर्स होते हैं डिफरेंट, तो फिर हम कोडोमिनेंस की तरफ जाते हैं। इनके गैमेट्स की बात करते हैं, जब मेंडल ने इनके गैमेट्स सेपरेट करे तो ऑफकोर्स दो गैमेट्स हैं हमारे पास, सी डब्ल्यू सी आर। एफ वन जनरेशन की तरफ जब हम गए तो फिर हमने क्या किया, फिनेट स्क्वायर बनाया और उसमें गैमेट को एडजस्ट कर दिया। मैं बताते चलूँ कि इनको बनाएंगे कैसे, कि सबसे पहले मैं इस सी डब्ल्यू इट्स मीन वाइट को पिक कर रही हूँ और इन सब के साथ उसका मल्टीपल कराऊंगी। तो सी डब्ल्यू सी आर, सी आर सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू सी आर, सी आर सी डब्ल्यू। इधर भी एग्जैक्टली सेम, अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास अब होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग प्लांट नहीं रहा, ये एक हीट्रोजाइगस करेक्टर बन गया। लेकिन कोई भी ना वाइट ना रेड, दोनों में से कोई भी करेक्टर डोमिनेंट नहीं हुआ, पिंक करेक्टर अपेयर हो, यानी थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स वाइट, करेक्टरिस्टिक वाइट का और थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक रेड का। इस वजह से इस टाइप को आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इनकम्प्लीट है, ना ही वाइट पूरा है और ना ही रेड पूरा है, लेकिन जो सारे के सारे प्लांट्स थे वो पिंक थे, हीट्रोजाइगस हैं, ऑल प्लांट्स आर पिंक। 100% रिजल्ट मिला है आपका आपको इधर। अगर हम ऑफकोर्स यस एफ टू जनरेशन की तरफ चलें, तो इस एफ टू जनरेशन में जब आप इन गैमेट्स को एडजस्ट करते हैं, बिकॉज ये तो हमारी एफ वन जनरेशन के गैमेट्स है, जब आप इनके सीड्स लेकर इनको फर्टिलाइज करते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग के आपके पास चांसेस हैं, मैंने यहाँ पे गैमेट्स अरेंज किए सी डब्ल्यू सी डब्ल्यू, यहाँ पे अरेंज किए सी आर सी डब्ल्यू। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये सी आर ये सी डब्ल्यू, तो यहाँ जो आपका रिजल्ट है ये सी आर, तो यहाँ जो आपका रिजल्ट है वो सी आर है। यहाँ पे आ जाएं अगर तो सी डब्ल्यू सी आर, यहाँ जो रिजल्ट है वो सी डब्ल्यू सी आर है। दूसरी साइड पे आ जाएं अगर सी आर ये रहा और सी डब्ल्यू ये रहा, तो सी आर सी डब्ल्यू कलर पिंक है, कलर पिंक बना। और यहाँ पे आ जाएं अगर तो ऑफकोर्स ये सी डब्ल्यू और कलर वाइट बना, यानी ये होमोजाइगस सी आर होमोजाइगस रेड करेक्टरिस्टिक के जीन्स कैरी करता है, ये सी आर सी डब्ल्यू पिंक करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये है आपका यूनिक वन जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। दूसरा वाला भी बिल्कुल सेम, और ये आपका होमोजाइगस पिंक है। रेशियोज़ की तरफ अगर चलें इनके, तो वन रेड टू पिंक वन वाइट,
ये होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, जबकि जो आपका मिडिल वाला है ये एक हीट्रोजाइगस फॉर्म है। दो होमोजाइगस दो हीट्रोजाइगस हैं आपके पास यहाँ पे। वो जो दो होमोजाइगस हैं उसमें एक आपके पास रेड है एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ योर वाइट, और जो हीट्रोजाइगस है दोज ऑल आर पिंक। इस पूरे डिस्क्रिप्शन में मेंडल यही प्रूव कर रहे हैं बार बार कि कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है जो कंप्लीट इन स्टाइल्स में कंप्लीट अपेयरेंस दे। इनकम्प्लीट अपेयरेंस है, इसी वजह से इस टाइप का नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स। आगे चलते हैं, को डोमिनेंस की बात करते हैं। वर्ड को, ये वर्ड को ही आपको बता रहा है कि हम इसमें बात कर रहे हैं जो डबल है उसकी, यानी दोनों करेक्टरिस्टिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बोथ अलील आर डोमिनेंस, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो पढ़ते हैं कि भाई एक अलील डोमिनेंट होगी एक रिसेसिव होगी, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जिसमें आप पढ़ते हैं कि बोथ अलील्स आर डोमिनेंट। वो डोमिनेंट होंगे और साथ में एक वर्ड लिखा है हीट्रो, ये वर्ड हीट्रोजाइगस है। इसका मतलब है कि ऑल द करेक्टर्स, ऑल द अलील्स विल डोमिनेट इन हीट्रोजाइगस फॉर्म। आपकी जितनी भी अलील्स हैं वो कैसी होंगी? वो ऑफकोर्स डोमिनेंट होंगी। ये एक एग्जाम्पल है आगे, क्यों डोमिनेंट होंगी? क्योंकि उनमें से दोनों साथ साथ अपेयर हो रही हैं, दोनों साथ साथ अपेयर हो रही हैं और एक नया ही कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रही हैं। ना वो रिजेंबलेंस रखती हैं अपने फर्स्ट वन से, ना ही सेकंड वन से, बल्कि उनके सारे के सारे करेक्टर्स को एक्योर करती हैं, उनके सारे के सारे करेक्टर्स को अपनाती हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप है आपके पास ऑफकोर्स इसमें जो आपका फिनोटाइप है, फिजिकल अपेयरेंस है, वो आपकी जेनेटिक मेकअप नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे जेनेटिक कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें आपके पास दोनों के करेक्टर्स हैं, बोथ करेक्टर्स आर देयर। इसी वजह से ये कहलाता है डोमिनेंट, सॉरी कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इनहेरिटेंस है जब आपके पास सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं वो को एक साथ अपेयर हों। रिप्रेजेंटेशन आपकी मर्जी की हो सकती है, रिप्रेजेंटेशन आर भी हो सकती है, रिप्रेजेंटेशन डब्ल्यू भी हो सकती है, जो आपको समझ आती है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, प्लीज़ उस रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कीजिए। ये सिंबल्स तो हमने और आपने अपनी सिर्फ आसानी के लिए बनाया हुआ है। सो बोथ अलील्स डोमिनेंट, दोनों ही अलील जो हैं वो डोमिनेंट हैं। ठीक है, दोनों ही अलील अपेयर होंगी हीट्रोजाइगस कंडीशन में। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जब मेंडल ने एक रेड बुल और एक वाइट बुल का क्रॉस कराया। क्रोमोसोम्स आप देख सकते हो रेड बुल के हैं R1 R1 और वाइट बुल के हैं R2 R2। आपकी मर्जी के कोई भी हो सकते हैं। F1 जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्रॉस किया है यहाँ पे इनका, मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इस R1 को फर्स्ट जनरेशन में, सही R1 और ये मेरा R2, R1 R2 बना। अब ये वाला R1, ये वाला R2, R1 R2 बना। अब मैं ये वाला R2 सिलेक्ट कर रही हूँ, R2 R1, R2 R1। अब ये वाला R2, R2 R1, R2 R1। आप देख सकते हो R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 एंड R2, चारों कॉम्बिनेशंस में आपको डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है। रॉन कलर है, रॉन बिल्कुल रॉन कलर जो करेक्टर है आपके हैरी पॉटर का, रॉन उसके बालों के कलर से रिजेंबल है, सम वॉट रेड सम वॉट गोल्डन विद अ लिटिल टच ऑफ वाइट। ठीक, तो ये रॉन कलर है। अब जब आगे चले तो हमें पता चला कि इसमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ना ही आपका रेड कलर डोमिनेंट है, ना ही आपका वाइट कलर डोमिनेंट है। ये जो रॉन है इसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी इम्पोर्टेंस आपके रेड और आपके वाइट की है, सेम इम्पोर्टेंस है इनकी भी। जब हम चलते हैं इसके F2 जनरेशन पे, ये तो आपके जो गैमेट्स थे, जो पेरेंट सेल्स थे, ये ट्रू ब्रीडिंग सेल्स है। आप देख रहे हो ये होमोजाइगस हैं और ये भी होमोजाइगस हैं, ट्रू ब्रीडिंग सेल्स जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो आपके पास। यहाँ चलें तो ये अब ट्रू ब्रीडिंग सेल्स नहीं है, ये आपके हाइब्रिड जनरेशन है। हम F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं। F2 जनरेशन में जब आपने गैमेट सेलेक्ट किए तो R1 R2 R1 R2, बहुत सादा सा इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ R1 और ये वाला R1, तो इस बॉक्स के कॉम्बिनेशन में बना R1 R1, रेड कलर अपेयर हुआ। यहाँ पे आ जाऊँ तो R1 R2 रॉन कलर आ गया। मैं शिफ्ट हो रही हूँ यहाँ पे R2 R1 R2 रॉन, R2 R1 R2 R2 वाइट। अगर आप आगे चलें तो इसको देख सकते हो आप बहुत अच्छे से कि ये रेड
होमोजाइगस है, ये रॉन हीट्रोजाइगस, ये भी रॉन हीट्रोजाइगस है, और ये भी जो है वाई आपका होमोजाइगस है। इसका भी जो रेशो और जो प्रोपोर्शन है वो एग्जैक्टली कोडोमिनेंट, इसका जो प्रोपोर्शन है वो एग्जैक्टली इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिसेम्बल है, यानी 1:2:1। कैसे बनाया मैंने ये, कैसे समझ आया मुझे ये, बिल्कुल ऐसे समझ आया कि वन आपका रेड है, ये वन जो है वो आपका वाइट है, ये दिस वन इज योर रॉन कलर। रॉन कलर ये फीचर है स्किन का, बुल रेड बुल स्किन का। अच्छा मैंने को डिटेल में स्टडी किया तो पता चला ना रेड है डोमिनेंट ना वाइट है डोमिनेंट, असल में ये दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है रॉन, और रॉन इट्सेल्फ डोमिनेंट करेक्टर हुआ, ठीक है, इन दोनों में से। ओ रॉन इट्सेल्फ एक पेयरिंग स्ट्रॉन्ग करेक्टर हुआ, रॉन भी डोमिनेंट करेक्टर नहीं है लेकिन फिर भी वो अपेयर हो रहा है हर बार। ये है एक्चुअली फिनोमेना ऑफ कोडोमिनेंस रेशो। आपका ये होमोजाइगस है, ये वाला स्टाइल भी होमोजाइगस है, हाँ जी, ये और ये दोनों आपके हीट्रोजाइगस कॉम्बिनेशंस हैं। इसके बाद मूव करते हैं ऑफकोर्स यस हम लास्ट टॉपिक, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा सा है, जिसमें कोई डिटेल की में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस क्या होती है, सिमिलर टाइप के जीन्स होंगे आपके पास जो एक दूसरे के करेक्टरिस्टिक्स को इन्हांस कर रहे होंगे, एक दूसरे के करेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट कर रहे होंगे, जिनकी कोई भी अपोजिट अलील नहीं होगी हमारे पास। जब अपोजिट अलील नहीं होगी तो ऑफकोर्स यस वही जो ओवर डोमिनेंट करेक्टर है सिर्फ और सिर्फ वही हमें नज़र आएगा हर स्टाइल में। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो जिसमें हमने डोमिनेंट के स्ट्रक्चर डोमिनेंट की टाइप्स की स्टडी करी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी कमेंट प्लीज़, आपकी हर राय को बहुत अहमियत दी जाती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर डी and don't tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.